72 x square y cube by minus 2 x y. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस का एक ही है, तो इसलिए माइनस का साइन तो लगेगा लगेगा, इससे इसको डिवाइड दे दो, 2 3 6 2 6 12, तो माइनस का 36. अब ये 2 है y पे और यहाँ पे एक 1 है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर 1 आएगा, 1 लिखो या मत लिखो. इसी टाइप से 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, y पावर 2 बचेंगे. ओके, अगर ये आपका आंसर, तो इस टाइप से नहीं करना चाहो तो आपको दूसरा तरीका बताते हैं. 72 इंटू एक्स मल्टीपाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन नीचे 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई. तो 2 से इसको डिवाइड दे दिया, यहाँ माइनस का साइन था, 2 से इसको डिवाइड दिया, 36 एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल. ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का 36, इधर से एक एक्स बचा है, वाई हमारे पास 2 हैं, तो 2 पावर लगा लिया आपका आंसर. इस टाइप से करेंगे ये क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -135 अपॉन -5, और यहाँ क्या है, एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब है, नीचे क्या है, एक्स वाई जेड स्क्वायर है. तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 का डिवाइड इसमें दिया, तो 5 टू या 10, 5 सेवन 35, एक तो आ गया 27. इधर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो एक्स 2 आएगा, वाई से वाई कैंसिल कर दो, ये तो बचा ही नहीं, जेड क्यूब में से जेड स्क्वायर माइनस करो तो एक जेड बचेगा, ये आपका आंसर हो गया. ओके, ऐसे नहीं आता, जैसे हमने अभी बताया था, ओपन करके सबको एक्सपेंड करके लिख के उसको आप डिवाइड दे दो. क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम, इसमें भी आपको डिवाइड देना बाय 4x. ये तो आपके मोनोमियल थे, यानी एक टर्म जिसमें होता वो थे. इसमें 6x4 प्लस 12x3 प्लस 8x2 प्लस 4x बाय 4x, 4x से डिवाइड दे दो. अब इसमें 16x4 से डिवाइड दे देंगे हम 4x से, प्लस का 12x3 डिवाइड दे देंगे 4x से, प्लस 8x2 डिवाइड दे देंगे 4x से, प्लस 4x अपॉन डिवाइड दे देंगे 4x से. सबके नीचे 4x 4x लिख लिया हमने, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे. अब अलग अलग डिवाइड दे दो, 4 4 16. ओके, इसमें से 4 और एक्स 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो एक्स 3 बचेगा. इसी टाइप से 4 3 12, 3x3 है, क्यूब में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स 2 बचेगा. 4 2 8, 2x प्लस 2 और एक्स 2 हैं, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 ही आएगा, 1 लिखो या मत लिखो, प्लस इससे डिवाइड दे दो, 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा. ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी टाइप से ये बी और सी पार्ट हैं. तो 8x4yz माइनस 5xy3z प्लस 24x2 वाई जेड 4 डिवाइड देना है इसको 3xyz से, इससे डिवाइड देना. तो पहले क्या करेंगे, सबके नीचे लिख लो, यहीं पे लिख लेते हैं हम 8x4yz, इसके नीचे हमने लिख लिया 3xyz, प्लस की जगह माइनस लगाओ क्योंकि माइनस का साइन है इधर, 5x3z और नीचे क्या 3xyz प्लस 24x2yz4 अपॉन 3xyz. ओके, कैंसिल करो, 8 में 3 का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 8 ही आता है, 8/3. यहाँ क्या है, x 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो x 3 बचेगा, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, माइनस का साइन लगाया, -5/3 एज इट इज रहने दो. x क्यूब में से x सब्ट्रैक्ट करो तो x 2 बचेगा. ओके, अब y है हमारे पास यहाँ पे 5xy3, x अकेला था, y3 था इधर, यहाँ y3z कैसे था है? तो x से तो x कैंसिल हो गया, x बचा नहीं, y से क्यूब हटा दो यानी 2 बचेगा, y2, z से z कैंसिल, तो इतना ही बचा. अब प्लस का साइन लगाया, 3 8 24, 8 आ गया, x से 2 हटा दिया तो x बचा, y से y कैंसिल, z में से इसको z3 बचा. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया. इस टाइप से करेंगे हम ये क्वेश्चन, ये बात फिर से.